आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की CSP के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP लेने का एक जेन्युइन तरीका, क्योंकि फिर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि IPPB की CSP लेने के लिए उन्होंने ब्रांच विजिट किया था तो उनके डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया गया, उनको वहां से रिटर्न कर दिया गया है, तो कैसे अब IPPB की CSP ले सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ फ्रेंड, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट की CSP कैसे ले सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उन डॉक्यूमेंट को कहाँ आपको अपलोड करना है, कैसे आपको सेंड करना है जिससे आपको डॉक्यूमेंट का वेरीफाई भी हो जाए और आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट की CSP भी मिल जाए। ये कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, तो चलिए जानते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट का CSP सेंटर लेने के लिए फ्रेंड आपको करना क्या, IPPBonline.com इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाना है। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो सीधा इस साइट में आ जाएंगे। यहां से देख सकते हैं सबसे पहले बताया गया फ्रेंड कि यहां से इंडिया अपॉइंटमेंट, यहां से इंडिविजुअल बिजनेस कॉर्पोरेशन, यानी आप CSP कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से लोग CSP ले सकते हैं। यहां सबसे पहले हम देख सकते हैं बताया गया इंडिविजुअल रिटेलर बैंक एम्प्लॉयज है तो ले सकते हैं, रिटायर्ड टीचर हैं तो आप इसकी CSP ले सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एक्स सर्विस मैन है फ्रेंड तो आप इसकी CSP ले सकते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं अगर आप यहाँ से PCO में वर्क करते थे जिनमें पब्लिक ऑफिस में अगर आप वर्क करते हैं अगर इंडिविजुअल तो आप इसकी CSP ले सकते हैं। या तो फ्रेंड आपके पास मेडिकल शॉप है, किराना है, या फिर आपके पास यहाँ देख सकते हैं इंडिविजुअल अगर मेडिकल और किराना के ऑफिस है या फेयर ऑफिस है आपके पास तो भी आप इसकी CSP ले सकते हैं। स्मॉल सेविंग अकाउंट के अगर फिर आप एजेंट हैं जो कि इंडिया के द्वारा ऑथराइज है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज आप चलाते हैं तो भी इसकी CSP ले सकते हैं। पेट्रोल पंप ऑनर हैं, ये फिर आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर CSC तो इसकी CSP ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए कौन कौन इसकी CSP को ओपन कर सकता है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं बताया गया फ्रेंड CSP आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, इसमें फ्रेंड आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म को आपको डाउनलोड करना रहता है तो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड फॉर्म डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना रहता है। यहाँ से देख सकते हैं बिजनेस कॉर्पोरेशन एप्लीकेशन CSP आप ओपन कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट का या लिमिटेड है। अगर यहाँ सबसे पहले अगर न्यू ओपन के न्यू पे टिक लगाएंगे एक्साइटिंग है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर आपको फोटो चैप्चर करना है, फिर आप सिग्नेचर करना है, क्रॉस सिग्नेचर नहीं, आधा फोटो में और आधा ऐसे रहना चाहिए सिग्नेचर आपका। आएंगे सबसे पहले अपना नेम देना है, कांटेक्ट नंबर देना है, एड्रेस फर्स्ट टू देना है, एड्रेस सेकंड में आपको डिस्ट्रिक्ट एवं सिटी का नाम डालना है। यहाँ से फिर आपने स्टेट देना है, पिन कोड का नाम डालना है, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिर आप यहाँ से आके निकाल सकते हैं, जिसे आप यहाँ से गूगल में आके सर्च करेंगे लेटिट्यूड तो यहाँ से फिर लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, जैसे भी अपने एरिया का आप जैसे फिर पिन कोड डालेंगे तो आपके एरिया का जो लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है उसे फाइंड करके आपको इसे शो कर देगा। इस प्रकार फिर आप इसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ से आके आप लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पेस्ट कर सकते हैं। इसका फिर यहाँ से फादर्स के नेम डालने को बोला जाएगा, फादर्स को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरे फॉर्म को फिल करना है। जिन्हें प्रूफ ऑफ आईडी में आप क्या क्या दे सकते हैं, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, इनकम टैक्स का पैन कार्ड है, आधार कार्ड दे सकते हैं, जॉब का नरेगा कार्ड है। इसी प्रकार प्रूफ ऑफ एड्रेस में फ्रेंड इसमें भी दोनों में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ से दी गई हैं। इसके बाद यहाँ से फ्रेंड फॉर्म में नीचे आएंगे देख सकते हैं आपको बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा। बैंक का डिटेल डालेंगे जिन्हें IFSC कोड, नेम, बैंक में नेम क्या है, अकाउंट नंबर। यहाँ से नीचे आएंगे तो एक डिक्लेरेशन मिलेगा जहाँ सबसे पहले फ्रेंड इसमें यहाँ सिग्नेचर और स्टाम्प लगाना है अगर आपके पास है तो। यहाँ से आपको नाम डालना है, प्लेस का नेम डालना है। यहाँ से फॉर्म 60 मिल जाता है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये फॉर्म 60 फिल कर सकते हैं और आपको एक यहाँ सिग्नेचर करना है। नीचे आएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा जिनमें ये सभी डॉक्यूमेंट की आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से प्रूफ ऑफ आईडी है, इनमें ये सभी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको यहाँ से लेके जाना है। अब यहाँ से बात आती है जब ये फॉर्म फिल कर लेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ कलेक्ट कर लेंगे, हार्ड कॉपी के साथ आप फोटो कॉपी भी जरूर लगेगा इसमें, तो आप इसको जमा कैसे करना है। यहाँ से आएंगे फिर तो देख सकते हैं एक चीज़ दिखाया गया IPPB ब्रांच जो भी आपकी लोकेशन में है, तो क्लिक एंड ब्रांच सर्किल एंड ब्रांच वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे फिर सर्किल एंड ब्रांच वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो भी आपका स्टेट रहेगा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपकी सर्किल के जितने भी ब्रांच रहेंगे उनका लिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से अपने ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ फिर मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए थे, उन्होंने ब्रांच भी विजिट किया था, उन्होंने ब्रांच को जो भी उनके फॉर्म को सबमिट नहीं किया गया है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, उन लोगों को वापस कर दिया गया, सीएसपी सेंटर नहीं मिला है। एक चीज ध्यान से सुने फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हार्ड कॉपियां एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको इन्हें मेल करना पड़ेगा, जिनमें मैंने बात की जिनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहले सर आपको हेड ऑफिस में यहाँ से मेल करना है। यहाँ फ्रेंड जो भी आपके नियरेस्ट यहाँ देख सकते हैं, जैसे बताया गया ब्रांच का नाम यहाँ से दिखाया गया, देवास ब्रांच है, दतिया ब्रांच है, जो भी इतने ब्रांच रहते हैं यहाँ, जो भी आपके एरिया का ब्रांच मिल जाए आपको वहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल फिर मान लीजिए अगर आपके एरिया का ब्रांच यहाँ से मिल जाता, तो यहाँ से ब्रांच का जो भी एड्रेस रहेगा, एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। यस फ्रेंड आपको इनके एड्रेस में विजिट नहीं करना है, यहीं से देख सकते हैं सामने एक आपके यहाँ से लिस्ट मिल जाती है, ईमेल आईडी मिल जाती है, आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। तो यहाँ से फ्रेंड आपको सभी डॉक्यूमेंट इनके जो कि है ऑफिशियल, यहाँ से देख सकते हैं हेड पोस्ट ऑफिस का ईमेल है, आपको यहाँ से मेल करना पड़ेगा। जब फिर यहाँ से मेल करेंगे तो यह डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, उनको चेक करेंगे, इसके बाद फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी आपको सीएसपी सेंटर ओपन करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन आपके पास ये कॉल बैक करेंगे या फिर मेल का रिप्लाई करेंगे, तब आपको यहाँ पर इनके हेड पोस्ट ऑफिस में जाना है। अपने यहाँ से हेड पोस्ट ऑफिस के देख सकते हैं एड्रेस भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, जिनके हेड है इनका नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्रांच के जो हेड हैं इनका नाम भी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर सभी को आपको यहाँ से स्कैन करके सेंड करना है, ना कि फिर आप फोटो खींच के सेंड करें, आप अगर मोबाइल से भी स्कैन करना चाहे बहुत सारे स्कैनर आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, वहाँ से भी डाउनलोड करके स्कैन कर सकते हैं। मैं एक आध दो स्कैनर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो यहाँ से पेन जेन्युइन है, आप वहाँ से स्कैन करके सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके इनको मेल करें, वहाँ से पेन इसके बाद जैसे आपको अप्रूव मिल जाएगा देन आपके पास इनकी तरफ से कॉल किया जाएगा। सो इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी ले सकते हैं, फिर आपको उनके ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, जो ये प्रोसेस करवाएंगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, आप यहां से आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट की सीएसपी को ले सकते हैं। आप सीधा ब्रांच विजिट करके फ्रेंड इनके इंडिया पोस्ट पेमेंट की सीएसपी को नहीं ले सकते हैं। सो गाइस ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ, कैसे आप आईपीपीबी की सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीएसपी लेने तक का फुल प्रोसेस। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आप कोई भी सवाल हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें, आपको उन्हें कोई भी सवाल हो वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक और क्लिक करें, अगर फिर आप पुराने सब्सक्राइब तो आपको पता होगा चैनल पर डेली यूज़फुल वीडियो मिलते हैं, इसमें पहले आपको पहुँच जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।